वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। क्या समझ रखा है? भजन अस्वस्थ अवस्था में जो समझते अस्वस्थ स्वस्थ अवस्था में भजन ही नहीं करता। पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन आज अस विचार पुर कुल मुनि कर तो राम बोधा। अपने में जो आपकी प्रियता है इसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? स्वस्थ अस्वस्थ बीमारी से बीमारे में भी अपने से आपके अंतर अपने से अपने को कभी अंति नहीं होती। कभी ऐसी सभी मजाऊ तो अच्छा है। इसका अर्थ शरीर में तकलीफ बहुत है इससे बच जाऊं, परंतु मैं रहू ही नहीं मेरा अभाव जैसा चाहता है ये भजन है। भजन स्वयं से होता है, असली भजन स्वयं से होता है। जैसे भूख लगने पर रोटी को याद करना पड़ता है, नाव लेना पड़ता है। ज्यादा प्यास लगने पर जल जल नाव लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? बच्चे की माँ दूर हो तो बच्चे के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे कई जैसे आजाद पक्ष आए मातर इन खरगा यथावत वो सुना करें
उसके बिना रहा नहीं जाता, उसका नाम भजन है। मीरा भाई ने कहा हिंदी मारी हरी बिन रही रे न जाए, न भूख लगे न प्यास लगे न बात सुहावे न चैन पड़े। चैन बेचैनी होती उसके बिना कुछ भी स्वाद नहीं, ये भजन होता। उस भजन के लिए साधन नाम जप है, कीर्तन है, सत्य है, किसी को पढ़ना है, भक्तों के चरित्र है, भगवान के चरित्र है, ये सब इसके साधन है। भजन असली नाम आकर्षण का है, खिंचाव का है, भगवान की तरफ तो मन खींच जाए। अब मन उधर से हटता नहीं, उसके बिना रह सकते नहीं, ये जो व्याकुलता है इसका नाम भजन है, ये भजन होता है। तो अस्वस्थ हो तो वैसी है, स्वस्थ हो तो वैसी है, बीमार हो तो वैसी है, बीमार नहीं हो तो वैसी। फर्क पड़ता है तब तक भजन असली शुरू नहीं हुआ। जब तक शरीर में गड़बड़ होने से फर्क पड़ता है तो शरीर का भजन है, शरीर ठीक रहे ये इच्छा है। भगवान की भजन करें तो बचने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करो। अगर चाहते हैं तो प्रार्थना करो, ये लाभ असली प्रेम दो, अनन्य प्रेम दो, ये रात दिन सुबह और शाम हर समय आपकी भीतर से लगने लग जा। तो जैसे भूख नहीं लगती तो भूख तो नहीं लगती, पर भूख की भूख तो लगती है ना, तो मेरे को भूख लग जाए क्या करूं, भूख कैसे लगे। ऐसे असली भगवान का भजन कैसे हो ये सब जानकर कर सकते हो। भगवान के पीछे पड़ जाओगे, महाराज ऐसा प्रेम दो आप बिना मैं रह न सकू, हे नाथ क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, ऐसी लगन कैसे लगे, आपका प्रेम कैसे हो, आपके बिना मैं रह न सकू, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी अवस्था दो, ऐसे भगवान से मांगो। और अगर याद नहीं रहता तो आपको गर्ज नहीं है, जिसके गर्ज होती है वो भूलेगा कैसे। तो बात है भजन खुद का होता है, अपने नाम जप कीर्तन आदि को भजन मानते ये भी भजन है, परंतु भजन खुद का होता है, उसके बिना चैन नहीं पड़ती, रहा नहीं जाता। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहाग, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगात, ये सुहाती नहीं। अब नहीं रहता है तो भजन नहीं हुआ, शुरू हो गया। और तो कभी होता है तो भजन कभी कभी होता है, होता है। प्यास जोर से लगी है तो कभी कभी पानी की इच्छा होती है क्या? भूख जोर से लगती है तो कभी कभी अंदर इच्छा होती है। जैसे शरीर के लिए अंदर जल की जरूरत है, ऐसे स्वयं के लिए भगवान की जरूरत है। पुरुषोत्तम मास के तीन दिन रहे, तो पुरुषोत्तम मास कैसे हुआ? ये एक मल मास है, एक महीना ऐसा होता है महीने भर में सूर्य संक्रमण नहीं करता, वो अशुद्ध महीना है। मेघ मेघ मिथुन कारक सिंह कन्या तुल वृश्चिक धन मकर कुंभ, ये 12 राशि है,
बारह राशियों पर सूर्य जो आता है, मैं एक पल में तो मिश्रण कर दू क्रम से, तो सूर्य संक्रमण करता है मन एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि पर आता है, तो वो दूसरा महीना सौर मास चंद्र मास ऐसे मासों महीनों को भेद है, परंतु सूर्य जिस महीने में संक्रमण करता है वो महीना तो शुद्ध, और ऐसे दिन बचते बचते ऐसे बच जाए 30 दिन में सूर्य संक्रमण न करे तो वो अशुद्ध महीना माना गया, उसको मल मास कहते। तो ये बड़ा दुखी हुआ महीना भगवान को शरण गया, तो भगवान का तुमको पुरुषोत्तम मास कहते, मेरा नाम तेरा नाम रखूंगा। तो भगवान के पूजन का जो 12 महीना में जितने त्योहार है पूजन है वो एक पुरुषोत्तम मास में सब पूजन होते। भगवान के उत्सव करने के जो दिन 12 महीने में आते हैं विशेष विशेष उत्सव के, वे सब के सब एक महीने में जाते, ये पुरुषोत्तम मास हुआ, भगवान का स्वरूप हुआ। इसमें किया हुआ भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय अक्षय होता है, विशेष फल देने वाला, दान पुण्य आदि भी विशेष फल देने वाला होता है, ऐसा पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम मास की कथा है, जैसे एकादशी कथा है सत्यनारायण कथा है, ऐसे पुरुषोत्तम मास की भी कथा है, वो आप सुनो मनुष्य। पुरुषोत्तम महात्म्य है, काती महात्म्य है, वैशाख महात्म्य है, माघ महात्म्य है, ऐसे पुरुषोत्तम महात्म्य, भागवत महात्म्य, गीता महात्म्य है, ऐसे पुरुषोत्तम नहीं रहता भी महात्म्य है। आपका विचार तो जो पढ़ने सुबह शाम में रात्रि में अच्छा कोई पंडित हो उनसे आप पुरुष मस्त सु आपने से विचार यहाँ की रीति के अनुसार, यहाँ की रीति नहीं गुजारना, यहाँ की मर्यादा के अनुसार भगवान की कृपा कैसे शीघ्र मिले। देखो भाई, भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने बताया कि खुद की इच्छा होनी चाहिए और विधियों की जरूरत नहीं है, विधि विधान इस विधि से ये इस विधि ये कार्य कर रहा हूं, संसार के साथ संबंध रखने वाले में केवल भगवान की चाल में प्राप्ति करने में विधियों की प्रधानता नहीं है। भक्ति भी वैधि भी होती है, प्रेम रक्षणा भी होती है, विधि विधान से भी होता है भगवान का भजन भगवान की भक्ति, परंतु असली भक्ति है वो प्रेम रक्षणा है। भक्तिया संजात या भक्तिया, पहले ऐसे वैधि भक्ति करते करते इस भक्ति से फिर भक्ति पैदा होती है। भागवत में भक्तिया संजात या भक्तिया, भक्ति से पैदा होने वाली भक्ति के द्वारा रोमांच हो जाते हैं, अस्तुपात होते हैं, चतुर्दय होता है, ऐसे 8 सात्विक भाव उदय है। तो भक्ति से भक्ति पैदा होती है, वो भक्ति असली प्रेम लक्षण वो स्वयं से होती है। जैसे भूख शरीर से खुद से लगती है, प्यास शरीर से लगती है, ऐसे खुद से भूख लगती है, उसे नाम भक्ति है। इन चीजों से संतोष नहीं होता, उनके पैसों से स्त्री पुत्र परिवार से घर से आदर से मान से बढ़ाई से संतोष नहीं होता, किसी से भी मन लगता नहीं, किसी से भी संतोष होता नहीं, कोई किसी की इच्छा न रहती नहीं,
उसके बिना बीच नहीं रहते हैं तुम, केवल भगवान मिले। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भाव है, तुम्हें मिलने में आज मारो हिरो उन्हीं आव है। अब तो कुछ नहीं सुहा, जीना भी सुहाता नहीं, क्या जीना, क्या श्वास नहीं, क्या जीने, क्या जीने का मतलब है कि भगवान प्राप्ति नहीं, उसे बस नहीं हो, ऐसे जीवन से क्या है, जीवन बाहर है, हम काम करें उसने नाम भले ना। ऐसी उत्कंठा जागृत करो, सब कुछ इस उत्कंठा में है, भगवान के लिए जो व्याकुलता है उसमें सब कुछ अनिर्णन व्याकुल पाप ने सुना, और ज्ञान और भक्ति और प्रेम और वैराग्य योग ये सब से जुड़े, सब हमारा बात क्या है, ये जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में हमारी एक महत्व बुद्धि है, यही बात है। हम जानते हैं जिन चीजों की तो उत्पत्ति विनाशशील है, फिर भी वो बनी है हमारी ये सब की। एक बालक ने बर्फ की सुनी, बर्फ मां से पैसा लेकर बर्फ ले आया, और बर्फ बहुत ठंडी, तो कहते माँ इस ठंडी बहुत थोड़ी गर्म कर दी। माँ कर बेटा गर्म नहीं होती, गर्म तो इतनी भी गर्म अगर रसोई बनाती है छोटी सी डली मेरी उसको गर्म कर दे, थोड़ी गर्म कर दे, ठंडी ज्यादा है थोड़ी सी गर्म कर दे। अगर बालक रोने लग गया तो माँ कर देंगी, माँ के समान दयालु कोई नहीं, बालक रो रहा है सामने तो माँ को दया आ जाए, गर्म कर दूंगी। और हट कब तक करता है, जब तक उसको मालूम है कि ये हो सकती है गर्म, ऐसा ज्ञान है भ्रम है तब तक हट करता है। जब ये पता लग जाए कि बर्फ गर्म होने वाली चीज नहीं, गल जाएगी बर्फ गर्म नहीं होगी, फिर वो हट नहीं करेगा। हम जानते हैं कि सही नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, फिर भी ये बना रहता है। ये बर्फ गर्म नहीं, बर्फ गर्म करने के चाहे सुधार है, और कुछ नहीं, मानते हैं सही नहीं रहेगा, ऐसे भी बना रहे धन नहीं रहेगा फिर बना रहे, कुटुंब नहीं रहेगा फिर बना रहे, घर संपत्ति हमारा पद बहुत बना रहे। अरे भाई बना नहीं रहता, ये बर्फ गर्म नहीं होती, पर मन में हट जाएगा तो गर्म तो गर्म हो जाएगी। अब इसको कैसे समझा बताओ, आप इसमें बैठे हो किसी के ऐसा है कि भाई समय ही अवसर रहेगी, समय ही सही रहेगा, समय ये संयोग रहेगा, समय रुपये रहेगी, सारा परिवार रहेगा, ये किसी के है विश्वास के हमारे भी विश्वास नहीं रहेगा, कोई भाई हो तो उसके खड़ा हुआ होता है। इनका विश्वास नहीं है तो दूसरी बात बताओ, हम तो इसी क्षण मर जाए तो कोई चिंता नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, अभी मर जाओगा नहीं, ऐसी तैयारी हो बताओ, जीने का तो भरोसा नहीं, मरने की तैयारी नहीं। अच्छा तीसरा मार्ग बताओ आप, कहा तो जीने के बाद तैयार हो जाओगे, हम जीएंगे, हम तो मर सकते ही नहीं, अथवा अभी मर जाए हमारे कोई काम बाकी नहीं है, कहीं यहाँ ही पंडाल में मर जाए तो कोई घर जाना है, कोई कमरे में जाना है, किसी से मिलना है, जुलना है, खाना है, पीना है, कुछ नहीं करना है, अभी मर जाए तो बिल्कुल बड़ी शांति से आराम से मर सकते, हमारे कोई काम है ही नहीं बाकी।
चाहे तो जीने की तैयारी कर लो, मर नहीं सकते किसी से भी, चाहे अभी मरने को तैयार है। और दोनों में जो तीसरी बात आप बताओ क्या करना है, तीसरा मार्ग बताओ। मरना चाहते नहीं जी सकते नहीं, तो कम से कम एक निर्णय कर लेना चाहिए। नहीं जी सकते तो भाई मरो, बिल्कुल परवाह नहीं। ये अवस्था परिस्थिति रह नहीं सकती तो इसकी रहने की चिंता क्यों होनी चाहिए, मिटे तो मिटे, अपना काम ठीक है ऋषि भाव, अपने जिम्मेवारी का काम तत्परता से उत्साह से करो। ये रह जाए न रह जाए मिट जाए इसी चिंता बिल्कुल उठो, क्योंकि ये तो हमारे अधीन की बात नहीं है। शरीर बना रहे ये हमारे हाथ की बात नहीं है, तो फिर इसी चिंता क्यों करें, नहीं कर सकते उसी चिंता क्यों करें। अरे कर सकते तो करना चाहिए फिर, उसकी भी चिंता देरी क्यों। बताओ मरने का क्यों मता नहीं, विचार नहीं, उत्साह नहीं है, मरने का तो मन नहीं है, जीने की समझ नहीं है, तो क्या करें बताओ, तीसरा मार्ग बताओ। बात अवस्था कैसी होती है, उसे कैसी होती है, उस स्थिति कैसे होगा, कैसे सिद्ध हो। अरे भाई एक चाहना करो, सब चाहना काटते रहो। माली वृक्ष लगाता है एक टहनी काटता रहता है, दूसरी काटते रहो वही वृक्ष बड़ा हो जाता है। ऐसे एक चाहना के सिवा दूसरी चाहना काटते रहो, केवल भगवत की चाहना है और चाहना नहीं, और भी तो काट और नहीं भाई और नहीं। संसार के सुख तो भोग लिए है ना, कोई भी संसार का सुख बाकी है क्या जिसका नमूना आपने न देखा हो, तो फिर क्या भ्रम रह गया हो। उससे संतोष नहीं हुआ तो हम अब संतोष हो जाएगा, यह क्या पता है। वहम होता है कितना धन मिल जाए, इतनी संपत्ति मिल जाए, इतने वैभव मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। तो जैसे आपके मन में है ऐसी संपत्ति किसी को नहीं मिली है क्या। हमारे स्त्री पुत्र परिवार सब ठीक हो जाए तो असली परिवार किसी को अभी तक नहीं मिला है क्या। हमारी मान बढ़ाई हो जाए ठीक हो जाए तो अभी तक किसी की भी मान बढ़ाई नहीं हुई है क्या। अरे हुई है तो उसे पूछ लोगी तो बस संतोष हो गया, इतना धन हो जाए तो जितना आप चाहते उससे ज्यादा धनी हो उसे जाकर पूछ लो, भाई हम ऐसा चाहते हैं आप तो सुखी हो गए ना, आपके पास इतना धन है, आपको जो इच्छा हो जा रही उसी इच्छा वाले से जाकर पूछ, उस वस्तु जिसके पास ज्यादा है उसे पूछ। सुंदर स्त्री मिल जाए तो सुंदर से सुंदर स्त्री है उसके पति को जाकर एकांत पूछो, तुम्हारे कोई इच्छा तो नहीं है, बेटा आज्ञाकारी हो तो ठीक है, तो जिसके आज्ञाकारी बेटा उससे जाकर पूछो, तुम्हारे सुख हो गया। जो आपको प्रेम हो कि पढ़े लिखे बड़े सुखी हो तो पढ़े लिखे से पूछ लो, साधुओं ने सुनो साधु पूछ लो जाकर के, भाई हम भी साधु होना चाहे बाबा जी आपका दुख तो कोई नहीं है, तो हम यहाँ रोना चाहते हैं, मैं तो हो जाऊंगा सही को क्या। जिस अवस्था में आपको ऐसा मालूम है इसमें बड़ा आनंद है वैसा वैसे आदमी से पूछो,
ऐसा है ही नहीं संसार में जिसको सुपुत्र बेटा न मिला हो, जिसको अच्छी स्त्री न मिली हो, अच्छे माँ बाप नहीं मिले हो, अच्छा कुटुंब नहीं मिला हो, धन अच्छा नहीं मिला हो, घर अच्छा नहीं, ऐसा कोई है नहीं। किसी कोई किसी को मिली, कोई किसी को, कोई किसी को मिली है तो उसमें उसको संतोष नहीं होता। आपको तो वो मिले तो फिर उसको संतोष जैसे आपको होगा, उसी रकम का होगा और दूसरे का और तरह का होगा। तो पूछ कर तय करो, समय बर्बाद मत होने दो। बहुत सा समय चला गया है, वो तो पता है, आगे किताब बाकी, इसका पता नहीं है, परंतु मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, शरीर छूटेगा, कुटुंब छूटेगा, धन छूटेगा, ये दिन आएगा, आ रहा। तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, ये सब आपको छोड़ दो, आप पहले ही छोड़ो। मन से रहे तो मोज, जावे तो मोज, अपने तत्व सुझाओ, अपने तो पुण्य सुधाओ भाई, और पुकारो भगवान अर्दम सादर जी दादा राम 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 राम, भूख लगी रोटी खाली प्यार से एकदम खुलिया, घनी नींद सा तो सो गया नहीं, राम 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 राम, चोखा कहो, भूला कहो, भला कहो, आदर करो, निरादर करो, निंदा करो, लोग प्रशंसा करो, मर जाओ सो करो, अपने राम 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 करके नहीं। इसके सिवा जो साधन जिसकी समझ में आया है उसी साधन में लग जाओ, फिर देरी क्यों? आपके विचार में ऐसा करना ठीक वैसे वैसा करके देख, चाहे तो वैसा क्यों है उसका मिलकर देख लो अथवा स्वयं करके देख लो, बहम क्यों लगा? बहम बहम में उम्र बीत जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, ये मनुष्य हाथ से निकल जाएगा। बोलो, पूर्ण मत एक न पते जरूर देते, जब तक मौत नहीं तब तक जल्दी से जल्दी प्रसारण ऐसे भागवत पाया, निश्चय ऐसा है कल्याण के लिए। दूसरा संसार तो आप संसार के विषय तो जगह जगह मिलेंगे, जहाँ जाओ वहीं मिल जाएंगे, इसमें कौन सी कमी रह जाएगी, कौन सी चीज बाकी रह जाएगी? भोग मिल जाते हैं, सब चीजें मिलते हैं, स्वर्ग में मिलते हैं, नरकों में भी मिलते हैं, चौरस लाल धोने में मिलते हैं, मंदिर में मिलते संसार के सुख तो कहीं जाते नहीं, ये तो आपको सदा मिल जाएंगे, परंतु पारमार्थिक उन्नति का मौका मनुष्य ही नहीं है, ऐसा मौका और देंगे नहीं है, भगवान की कृपा से हो जाए बात एक अलग है, किस दिन ही हो जाए, परंतु अधिकारी ये मनुष्य शरीर माना, मनुष्य शरीर वो भी मेरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, वो भी गंगा किनारे, बहुत विशेष कष्ट, बहुत सामग्री मिली हुई है, ये बात है। तो पुकारो प्रभु को, आपने आज दिन तक जो सुना पढ़ा और समझा उससे बढ़िया से बढ़िया बात बन गई, उसी में लग जाओ, हमारा आग्रह नहीं इसी में लगो, आपकी दृष्टि से बढ़िया साधन है उसमें लग जाओ, भूल होगी तो भगवान सुधार देंगे, इतना तो मैं कह देता हूं, अपनी दृष्टि से सीधे सरल भाव से भगवान को आप चाहते हैं, और जितना पढ़ा है सुना है समझा है
उसमें मैं आपको जो संतोष दिया हुआ उसी में आप रात दिन लग जाओ। लगने के बाद आपकी कमी हो तो भगवान सुधार देंगे। अब आपने बढ़िया समझा, उसमें भी आप नहीं लगोगे तो कहां लगोगे बताओ। जो रूप आपको बढ़िया लगे, जो भगवान का नाम अच्छा लगे, इसका जपना करना, जो साधन किसी तरह जप है, ध्यान है, कीर्तन है, जो आपको बढ़िया से बढ़िया मालूम दे, उसमें तत्पर कसर लग जाओ। फिर आप पर उलाना नहीं रहेगा, हम जानते नहीं क्या करें, जितना जानते हैं तत्परता से करो। तो अगर ये जानना भगवान बता रहे, ऐसा भगवान कहेगा योगक्षेम भावना, अप्राप्ति प्राप्ति कर देना और प्राप्त की रक्षा करना, भगवान के दोनों मैं करता हूं। अनंत से अन्यास्तुपास अन्य होकर के चिंतन करते हुए जो उपासना करते हैं, उनके अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति संपत्ति की रक्षा करना भगवान के लिए, ये दोनों मेरे ठीक है, मैं करा दूंगा। अरे कितने सुख में आप जिसको बढ़िया समझे उसमें लग जाओ, किसे कहने में लगे उसमें विश्वास करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। क्यों नहीं जाएगा भरोसा करो, आप अपने ही विचार करो, अपने को बढ़िया से बढ़िया लगे। इसमें परमात्मा प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, जीवन सफल है, ये करने से ठीक हो जाए। उसमें लगने पर भी भूल होगी तो भगवान सुधारेंगे, उसके भरोसे लग जाओ, उसके भरोसे लग जाओ। जरा मन मोक्ष माँ आशक्ति करके भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान का भरोसा करके उसको बढ़िया से बढ़िया आपको मालूम हो। जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है। जीते जी मरना क्या है कि शरीर और संसार से संबंध सर्वथा तोड़ देना, भीतर से मन से। शरीर बना रहे न बना रहे, संसार बना रहे न रहे, कुटुंब रहे न रहे, धन रहे न रहे, प्रतिष्ठा मर रहे न रहे, नाम मर रहे न रहे, बड़ाई रहे न रहे, इन वैसे कोई मतलब नहीं है हमारा, बिल्कुल समझ विच्छेद कर दो। जीते जी मर गया, हमें मतलब नहीं इन बातों से। राम राम और लड्डू लड्डू करते हैं हम, लड्डू करते से क्या चाहते हैं आप? राम भी जड़ है, लड्डू भी जड़ है। अच्छा राम जड़ नहीं है, राम जड़ नहीं है, लड्डू को कहने से लड्डू मिलता है कहाँ, जहाँ लड्डू होता है। लड्डू कहने से लड्डू नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, जहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ लड्डू कहने से मिलता है। तो बोले कहने मिल जाएगा लड्डू वाली दुकान, 20 और 50 और 800 मिल जाएगा लड्डू, वो भी कहना पड़ेगा ये लोग ये रुपये दो लड्डू लो। तो है कि मैं राम राम ही केवल कहता हूँ, तो आप कह सकते हो नाम से क्या होगा। मैं कहता हूँ आपने आज दिन तक जो बढ़िया बात मानी है, पुस्तकों से सुन करके, पढ़ करके, विचार करके, सत्संग करके,
निर्णय आपने क्या दी, ये बढ़िया बात है, उसमें लग जाऊ, ये काम है, ये प्रश्न मेरे प्रति कैसे होगा, ये मैं कम क्यों राम राम करो तो निर्मूल मिलता है क्या, तो प्रश्न मैं कहते मैं तो आज खुली कही है, आपने आज दिन तक जितना पढ़ा है, सुना है, समझा है, कोशिश करी है, इसका उद्योग किया है, करके फिर आपने निर्णय किया ये बात ठीक है, बस उसमें लगे हो जाते हैं। आपके निर्णय पर मैंने छोड़ा है, मैंने थोड़ा मिल जाए, ये तो आप सब उसको कर सकते हो, राम राम कर श्री राम मिल जाए तो कह दो राम राम कर मिल जाएगा क्या, बोलो आपने जो निर्णय किया ये बढ़िया है, उसमें लग जाओ और यहाँ से उठ जाओ अभी, भाई हमारे ये बढ़िया नहीं लगती, उसमें लग जाओ, जीव के उद्धार के लिए हमें तो ये बात अच्छी मालूम थी, उसी को पकड़ लो और मुझे कितने भी बढ़िया कहो हमें क्या बनना है, हमारे तो इसमें लाभ देखता है, इतनी खुल नहीं गई आपको, इसमें शंका हो तो बोलो, अच्छा मन लगाओ, हम मन थोड़ी करते मन लगाने के लिए, हम राम राम को और मन मत लगाओ, ये कैसे है, आपने कहा भी मन लगा सकते मन लगा कर करो, आपका निर्णय है जो करो, इतनी स्वतंत्रता दी है मैंने, और उसमें एक बहुत बड़ी बात मैंने कही है कि आप अभी तक जाने जितने में तत्परता से लग जाओगा और सच्चे हृदय से भगवान को चाहोगा तो आपकी भगवान मदद करेंगे, ये बात विशेषता से कही है, कितनी बढ़िया बात है, हम निर्णय पूरा नहीं कर सकते, ऐसी बुद्धि नहीं है, इतना विवेक नहीं है, तो आपको जितना है उतना वो करो, आगे चाहिए वो भगवान करेंगे, अपनी तरफ से आप कमी मत रखो, फिर वो कमी की पूर्ति भगवान करें, आप जानते हो उतना भी नहीं मानते, उतना भी नहीं करते, आप बताओ तो फिर आपका कल्याण होना चाहिए, जितना जानते हो, जितना मानते हो, जितना कर सकते हो, उसमें अपनी तरफ से कमी मत रखो, करके देखो, सबसे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, देरी नहीं है, साचे राचे राम कहनी प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम, सपने की सौ मोर से कौड़ी से रहने काम, सपने में मैंने सौ मार पाई वो सौ की सौ तुम्हारे को देता हूँ, एक कौड़ी नहीं देगा कोई, गिरे लगे पानी नहीं देगा, सौ मोर देता हूँ राज, जात मैंने देखी मेरे पास वो सौ मोर आपको भी कोई दे देगा कुछ नहीं, बात सच्ची आप करते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, विचार करते हो, अच्छे अच्छे संतों से मिलते हो, अच्छे अच्छे जगह घूमते हो, तीर्थों में जाते हो, तो इतना जा करके सुन करके आपने जो निर्णय किया उस पर डट जाओ, कितनी सुगम बात बताओ, इसमें कठिन था तो मेरे से पूछो, इसमें ये अड़चन आती है, उसको विचार करें अपने, ये बात हमारी जैसी नहीं, तो मुझे कर लो जो जैसी वो कर लो, कोई बाधा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, अमुक संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ,
अमुक ही नाम ले अमुक ही भगवान के स्वरूप हासिल करो, सगुण करो, निर्गुण करो, साकार करो, निराकार करो, द्वैत अद्वैत विशिष्टा जो आपकी मर्जी हो उसी सिद्धांत को मानो, उसमें प्रोफेशन लग जाओ और क्या सर। मगत ही नहीं कर सुधार कर दो, सुधार कहते ही चले जाओ पूरा काम ठीक हो जाएगा। मोटर चलती है रात्रि में तो यहां से हरिद्वार जाए तो हरिद्वार दिख जाती है क्या, कितनी तेज लाइट कर दो, परंतु जितना दिखता उतना से तो फिर पहुंच जाओ, जितना रास्ता दिखता ये रास्ता हरिद्वार का है तो जितना दिन था उसे चले जाओ, जितना दिन था चले जाओ फिर पहुंच जाएंगे। इस वास्ते आठ दिन तक जितना ज्ञान हुआ उसी ज्ञान को प्रकाश में चलो फिर पहुंच जाओ। अपनी कमी मत रखो, अपनी तरफ से कमी मत रखो। शास्त्र माता टिप का दृष्टांत आता है, ये टिप होता है टिप टिप करता है समुद्र गंगा के किनारे रहते हैं, उसने अंडे दिए थे समुद्र में, समुद्र किनारे तो टिप भी ने कहा कि ये समुद्र समग्र हमारा अंडा ले जा सकता है, हमारे अंडे तुम दे दो कहीं नहीं ले जा सकते, तो खबर है मेरे नहीं ले जा, ये समुद्र ने सुन ली तो भी अंडे दिया वहां से सौ दिन बाहर बाहर कि समुद्र मेरे लोगों ले गया। अब वो संचू में पानी भरता है बाहर फेंकता है, बाहर से रेत लाकर भीतर फेंकता है, क्या करते हो क्या तो सुखाऊंगा उसको, समुद्र हमारे अंडे दिए सुखाऊंगा उसको, ठीक है कैसी बात करता है, कितना तो जल में पानी आता है कितने रेती आती है जिससे भर दे, कहते हैं संतुर में लोह सन अहो रात रानी दे समुद्र क्यों नहीं सोचते, रात दिन तो रात दिन कितना लंबा है क्या समुद्र नहीं सुख रहा सुखा दूंगा, समझाया जाती वालों ने वो कहता है कि समुद्र को तो सुखाऊंगा मैं, हटने का बुद्धि लग गई मुझे लग गए तो पक्षी उसे घर ही आती है क्या वो करती थी कि समुद्र में सुख रहे अंडे ले गया वो तो दूसरे का नहीं है तुम्हारे लेंगे कल हमारे ही ले जाएगा, तो हम सब के सब पक्षियों को आज झुंड का झुंड लग जाएगा समुद्र सुखाएंगे, अब समुद्र सुखे सब पक्षी को छोड़ अगर तो बस एक पक्षी का अपमान नहीं हम सबका अपमान है अपने सुखाएंगे। भगवान को कहीं जाना था तो उनको किया याद, गरुड़ को याद किया तो गरुड़ आए कि नहीं आए तुम देरी की देरी क्या है महाराज हमारे पक्षियों में बड़ी आफत आई, मैं तेरा पक्षियों का राजा और हमारी आफत है, अरे क्या है कि समुद्र ले गया अंडा को देता नहीं, इस बार सब समुद्र को सुखाने वाले लगे तो हम तो उसी बिरादरी के हम ऐसी बात है कहा से हमारे भक्त नहीं बड़ा आप कोई दूसरा पाल देखो हमारे भक्त नहीं हमारी जाति में बड़ा आप दुख आ गया है भगवान ने बेचा ही नहीं अंदर देखो ये सूर्य सुखा दूंगा अभी सर नारायण दृष्टांत है। इस तरह से आदमी लग जाए तो असंभव को संभव कर दे, संसुर में लोह संभा श्वास में लोह के समान है अहो रात रंगीर घन रात दिन बहुत बहुत रात दिन है कितने सूर्य तीन से क्या सूर्य दिन सोखेगा सुखा देंगे एक छोटा सा मिट्टी छोड़ी सूर्य सुखा दे सुखा ही दे सब एक तरह
ऐसे मन को निग्रह करने के लिए बताया कि तुम लग जाओ। देखो जैसे गुरु जी भगवान सहायता करते हैं, तो ये मामूली चीजों में भगवान सहायता कर दे, भगवान को चाहे उसमें भगवान सहायता नहीं करेंगे। हे नाथ हम तो साधन जानते नहीं, पुकारो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। कभी मैंने ये किया यह कष्ट ले सो बलिगंत को प्रचंड वेगात विधावत हो भ्रषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम समे नहीं। उसके मैं आसार हो गया। यह कष्ट जो कोई एक ईश्वर है वो कैसा है, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है, यह कष्ट है कोई एक ईश्वर जिसे मौत भी डरती, मौत भी दूसरों को भय दिखाने के लिए भयभीत रहती है। कोई एक ईश्वर कोई ऐसा आपके आज दिन तुम निर्णय किया वैसे रूप को ध्यान करो, वैसे याद करो और प्रार्थना करो। हम रह नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगर आपकी दशा हो जाए कि मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, तो भगवान के आप बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। गीता में ये था माम प्रपद जनते थे बजा में, जैसे मेरे शरण होते वैसे मैं बदल करता। हमारी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से क्या बाकी रहेगा। गरुड़ अपना जोर लगा कर चले, मच्छर एक जोर लगा कर चले गरुड़ जी से मिलने के लिए, एक मच्छर ऐसे फूंक दे तो गिर जाओ, और वो भी अपने जोर से चले सब प्रभु जी बोले, अरे गरुड़ चले अपने जोर लगा तो ये हर जाओ। ऐसे हम सच्चे हृदय से चाहे भगवान को, भगवान भी हमारे को चाहे, देर क्या लगे। तो भगवान कैसे चाहेगा, आप चाहो जैसे है भगवान, ये था मां प्रपद जनते शास्त्र में जानते जैसे आप चाहो ऐसे। आप कहते हम तो चैन नहीं पड़ता हमें बिना भगवान के, तो आपके बिना भगवान को चैन नहीं पड़ेगा। आप भगवान बिना नहीं रह सकते, भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। बात करके देखो आपने क्या बात। कितनी सुगम बात, आज दिन तक आपने जो सुना है समझा है, निर्णय किया कि ये बात बढ़िया है भगवत प्राप्ति, उसी बात में रह जाओ। और कितनी सुगम बात है, किसी गुरु बनाना है, किसी संप्रदाय में जाना है, करना है, तो लोग कहते हमारा चेला बनो तब हम बात बताएंगे। हमारा चेला बनो चाहे गुरु बनो चाहे गुरु भाई बनो, हम तो बता देते। हमने जैसी सुनी है पढ़ी है संदेह हो तो बोलो। हमने ऐसी पढ़ी है, ऐसी बात सुनी है, बताओ कहीं शंका हो तो अपने कर लो विचार करो भाई, संदेह हो तो विचार करो शंका करो। साधक की परम सेवा क्या होती है कि सबका कल्याण हो जाए, हृदय में ये सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, हे नाथ सबका कल्याण हो जाए, ये लगन है बड़ी सेवा। तन से मन से पसर से धन से विद्या बुद्धि किसी से ही कृष्ण कल्याण हो जाए, वो लगा वो सब बिल्कुल निश्चित। हे नाथ सबका कल्याण, सबका उद्धार हो जाए, एकांत में ही बात बात वही चीत वही क्रिया वही ऐसे लग जाओ, सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया, ये परम सेवा है। सुबह परम सेवा का क्या समझे, मैंने आज बात बताई थी आप लोगों को जो सच्चा ठीक तरह से इससे उद्धार होगा,
ऐसा आपका निर्णय है उसमें लग जाओ। आपके निर्णय के अनुसार आप काम करो, उसमें विकल्प मत करो। उसमें सुधार होगा तो भगवान करेंगे, महात्मा करेंगे, संत महात्मा शास्त्र ये सुधार करेंगे। संसार कितना ही खराब हो, सच्चे दिल से परमात्मा की तरफ चलने वाला है उसका संसार सहायता करता है। चोर और डाकू जंगलों में रहने वाले हैं, वो भी किसी को देख लीजिए साधु के भगवत भजन पड़ता है तो लोगों को लूटने वाला उनकी सेवा करेंगे। चोरा चोरी डाका डालने वाले भी उस संत की सेवा करेंगे। मन दुष्ट भी सज्जन भी सब परमात्मा की तरफ सच्चे हृदय से चलने वाला है उसका कोई बिगाड़ कर नहीं सकता। शत्रुता करता है वो भी सुधार करता है। ध्रुवजी महाराज के साथ है छोटी मां ने बड़ा अत्याचार किया, राजा की गोदी नहीं बैठे थे, अपने बाप की गोदी में तो अधिकार सब बच्चों का होता है परंतु वो उठा देती नहीं, तो उस अभागिन के जन्म आए इस वास्ते तो नहीं बैठ सकते। सोने लगे बालक और क्या करेगा, बालक के मन की भी रो बनाना रोगनम बनो। माँ के पास पहुंचा, माँ ने कहा ठीक है भाई भजन तेने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, इस वास्ते भजन मैं अभी जाता हूँ। 5 वर्ष के बाद पता लग गया कि ये गलती हुई हमारे से, तो अब इस गलती नहीं करेंगे। खटमा समाई मिले साई अतल पानी धामी, समय लोग बीच में इकट्ठा कर लिए, बंद कर लिया। 5 वर्ष के बालक तो ठाकुर जी नहीं है, आज जमाना गिरा है तो अब ठाकुर जी उससे सस्ते हुए। जिस चीज के ग्राहक नहीं होते वो चीज सस्ती हो जाती, दुकानदार किससे बिक जाते दाम पैदा हो जाए कुछ बढ़ जाते परवाह। ऐसे ठाकुर जी आजकल सस्ते बहुत है, क्योंकि वो पूछता ही नहीं, तो अब आज सस्ती वर्ग बहुत मौका है। रहना चाहो तो मौका है, जितना धर्म का पालन है, जितने अच्छी तरफ परमात्मा की तरफ चलने में अच्छी बात के लिए अभी बड़ा सुंदर मौका है। तब बोलो, और उसमें ये बता दिया कि जो आपको अच्छा लगे शास्त्रों से संत महात्माओं से विचार करने से आपके निर्णय हुआ कि ये बात बढ़िया है, बस उसी में लग जाओ। कम से कम आपको संतोष हो जाए तो ये सबसे बढ़िया, बस उसमें लगे, उसमें सुधार हो जाएगा। भगवान सुधार करेंगे, संत सुधार करेंगे, घटना घट जाएगी, आपको सुधार हो जाएगा, भूल मिट जाएगी। भरोसा करो, माम आश्रित यत्न थी, भगवान कहते हैं जरा मन से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय नहीं करके यत्न करते हैं, वो ब्रह्म ध्यान जीव सब मिल जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ते ब्रह्म धर्म जो कृष्ण मध्यात्म कर्म साधन, बड़ा ही सुंदर मौका है, बड़ा ही पवित्र अवसर है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ
इसमें भी आपके ज्ञान का मारी थी, ज्ञान मारी थी इसको, योग मारी थी, योग मारी थी इसको, भक्ति मारी थी, भक्ति मारी थी इसको। आप कुछ नहीं जानते ना, ज्ञान जानते हैं, भक्ति ना जानते, गीता माया अन्य अजानंद जानते नहीं, मारा ज्ञान ध्यान मारी थी कुछ नहीं, सुत्ता नहीं बीजे सो भी और उसे लग गया, सो नहीं उसी पर हो गए, कुछ सो नहीं, बस राम 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 जिस किसी अच्छे पुरुषों से सुन लिया कि ये कल्याण का मार्ग है, कम से कम कम से कम कम से कम आपका निर्णय थोड़ा सा और करना उतना ही जितना आप कर सकते हो, नहीं कर सकते उतना नहीं, राहुल नारायण 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 ये बात ही नहीं है। गोविंद गोपाल और कुछ होगा।